यहां पर तीन पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती। सरस्वती एक अदृश्य नदी है जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। हिंदुओं का विश्वास है कि हर पाप को धो देता है इन नदियों का पवित्र जल। इस विश्वास के कारण ही प्रयागराज उन चार पवित्र जगहों में से एक है जहां दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह उमड़ता है, कुंभ मेला। हर छह साल बाद यहां पर मोक्ष की खोज में निकले लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। उनके आने पर नदी के ये किनारे लगभग शिमला जितने बड़े एक अस्थायी शहर में बदल जाते हैं। जाहिर है कि जब लगभग 31 वर्ग किलोमीटर इलाके में इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो भगदड़ का खतरा हमेशा बना रहता है। अब तक के कुंभ मेलों में ज्यादा भीड़ होने के कारण बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा का दायित्व उन 20,000 पुलिस अफसरों पर है जिन्हें खास तौर पर इस त्योहार के लिए प्रयागराज में तैनात किया गया है। पर उन 22 करोड़ लोगों पर किस तरह से नजर रखी जाए जो 50 दिन लंबे कुंभ में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। इस पुरानी समस्या का एक नया समाधान है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल केपी सिंह के पास। इस बार हमने 1,000 से ज्यादा कैमरास इंस्टॉल किए हैं। मतलब ये कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स दोनों ही हैं, तो ये एक बिल्कुल ही नया प्रयोग है। कंट्रोल रूम में केपी सिंह और इनकी टीम अलग अलग जगह लगाए गए 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरास से मिल रही लाइव जानकारी का विश्लेषण करते हैं। इस तरह ये पूरे इलाके में मौजूद श्रद्धालुओं पर 24 घंटे नजर रख पाते हैं। इस टेक्नोलॉजी में एक एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है जिससे ये पता चलता है कि एक खास समय पर एक खास जगह पर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। एक वर्ग मीटर में 3 से ज्यादा लोग होने पर हल्की चेतावनी मिलती है और 5 से ज्यादा लोग होने पर गंभीर चेतावनी। इससे टीम को पता चल जाता है कि वो कौन से इलाके हैं जहां भीड़ के बढ़ने का खतरा है। केपी सिंह इसी जानकारी के आधार पर भीड़ को संभालने वाली अपनी टीमों को निर्देश देते हैं। ना ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, ना कोई हादसा होगा। पचास दिनों के जश्न के बाद कुंभ मेले की आखिरी रात। श्रद्धालुओं द्वारा रखे गए हजारों जलते हुए दीयों से जगमगा उठती हैं ये दो पवित्र नदियां, गंगा और यमुना। रोशनी का ये मेला आसमान में भी लगता है। ये कमाल है ड्रोन टेक्नोलॉजी का। आसमान में कुंभ 2019 लिखा गया है और साथ में नजर आ रहे हैं हमारे तिरंगे के 3 रंग। तो इस आधुनिक अंदाज में खत्म होता है दुनिया में सबसे बड़े धार्मिक जनसमूह का त्योहार कुंभ।